हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गोल्ड रूबी नेकलेसेस। तो चलिए देर ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता देती हूँ, ये जो नीचे आप सारे देख रहे हैं ये सारे डायमंड की कलेक्शंस हैं। आपको अगर देखनी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एक लाइक कर देना, और न्यूली विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो कलेक्शन दिखाने वाली हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शंस हैं। लॉन्ग हार है, शॉर्ट हार है, बहुत सारे कलेक्शंस दिखाने वाली हूँ। और ये जो नेकलेस है इसमें लक्ष्मी माता भी है। तो चलिए ये थर्ड नंबर पे देखेंगे। तो चलिए जो सबसे पहला है वो है 27.87 ग्राम गोल्ड का यूज़ किया गया है, और जो रूपी आप देख रहे हैं पिंक कलर का वो 18.30 कैरेट का है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट कलेक्शन देखते हैं, जो ये छोटा हार है। तो इसमें 22.30 ग्राम का गोल्ड यूज़ किया गया है, और जो रूबी है 7.45 कैरेट का है। तो चलिए सबसे लॉन्ग हार देख लेते हैं जिसमें लक्ष्मी माता है। मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। बहुत ही लंबा है एंड बहुत खूबसूरत है ये। तो इसमें 48.67 ग्राम का गोल्ड यूज़ किया गया है, एंड रूबी जो है 77 कैरेट का है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कलेक्शन की तरफ। जो सबसे लंबा हार है वो सबसे पहले दिखा देती हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है एंड बहुत ही लंबा है ये। एंड इसमें 37.32 ग्राम का गोल्ड यूज़ किया गया है, एंड जो रूबी है वो 9.95 कैरेट का है। तो चलिए अभी ये बीच वाला हार देख लेते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है, एंड इसमें 18.57 ग्राम का गोल्ड यूज़ किया गया है, एंड जो रूबी है वो 6.40 कैरेट का है। तो अभी देख लेते हैं सबसे ऊपर वाला नेकलेस, जो कि बहुत ही सुंदर है। रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखिए। इसमें 24.24 ग्राम का गोल्ड यूज़ किया गया है, एंड जो रूबी है वो 26.80 कैरेट का है। हमारा नेक्स्ट जो कलेक्शन है बहुत ही खूबसूरत है, एंड ये रेड कलर का रूबी यूज़ किया गया है। और जो लॉन्ग हार आपने देखा था लक्ष्मी माता जी थे, इसमें भी लक्ष्मी माता जी हैं। तो चलिए इसका कितना ग्राम का है बता देती हूँ। तो ये 24.48 ग्राम का गोल्ड यूज़ किया गया है, एंड रूबी जो है 33.30 कैरेट का है। इन सबसे अच्छी बात है इसके साथ आप मैचिंग ईयरिंग्स भी ले सकते हैं। देखिए हूबहू वैसे ही लॉकेट की तरह है, एंड बहुत ही सुंदर है ये। तो इसमें 9.70 ग्राम का गोल्ड यूज़ किया गया है, एंड जो रूबी है वो 17.50 कैरेट का है। इसे आप साथ में भी बाय कर सकते हो एंड अलग अलग भी बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कलेक्शन की तरफ, जो कि एक ब्यूटीफुल चोकर है। इसमें 50.83 ग्राम का गोल्ड यूज़ किया गया है, एंड जो रूबी है 13.61 कैरेट का है। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल है ये। आप इसे इजीली पहन भी सकते हो एंड इजीली इसे पर्स में कैरी भी कर सकते हो। बहुत ही सुंदर है एंड बहुत ही अच्छा है ये। तो चलिए और एक कलेक्शन देख लेते हैं। देखिए कितना सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और इसमें 31.54 ग्राम का गोल्ड यूज़ किया गया है, एंड जो रूबी है वो 48.50 कैरेट का है। देखिए सो ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ही सुंदर है ये।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कलेक्शन की तरफ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे थोड़ा ना अंधेरा दिख रहा है, तो मैं दूसरी साइड लेके चलती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर सा है ये लॉकेट। पहले तो लक्ष्मी माता जी है और नीचे रूबी का काम किया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसमें 35.96 ग्राम का गोल्ड यूज़ किया गया है एंड जो रूबी है 48.95 कैरेट का है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और ये जो शंख देख रहे हैं वो बहुत ही यूनिक था एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है शंख डिजाइन, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। तो ये हमारा लास्ट कलेक्शन है जो ब्लैक में आता है एंड इसमें 40 ग्राम का गोल्ड यूज़ किया गया है एंड जो रूबी है 30 कैरेट का है। एंड देखिए कितना सुंदर है ये, बहुत ही सुंदर है ये। अब तक मैंने जितने भी सारे कलेक्शंस दिखाए हैं वो सारे 22 कैरेट के हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर ना इयररिंग्स और जो मैचिंग हार होते हैं बहुत सारे हैं। आपको ये भी देखना है वीडियो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। वीडियो को लाइक कर देना और न्यूली विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।